राजू भाई तो टेंशन में चले गए हैं। क्या कहीं म्यूजिक का कमाल तो नहीं है? क्या पता सर, फीमेल वॉइस से आप आपका बीपी बूस्ट हो गया हो। हाँ ये हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द मेडिकल अड्डा में। आज हमारे पास में है एक स्पेशल मेहमान। दोस्तों जान गए होंगे आप, स्टैंड अप ड्रामा के मशहूर कॉमेडियन मिस्टर राजू भाई। दोस्तों राजू भाई को आज ऐसे ही मन किया कि आज मैं अपना बीपी चेक करवाता हूँ, तो ये पहुँच गए हैं मेडिकल अड्डा पे। इस अड्डा पे आज हम आपके सामने राजू भाई का बीपी चेक करके बताने वाले हैं, और साथ में हमारे पास में आप देख पा रहे हो इतनी सारी मशीन है, 1, 2 और 3। तो ये सभी डिजिटल बीपी अपरेटस है, इन सभी की रीडिंग कैसी होती है और कितनी रिलायबल होती है, इसका भी चेकअप आज हम ऑथराइज सोर्स से कर लेंगे। यानी कि राजू भाई का बीपी चेक करके हम पता लगा लेंगे कि इनका बीपी कितना रहता है। वैसे तो आप बताइए, कॉमेडियन का बीपी कितना रहता है? होगा नॉर्मली होता होगा। अच्छा, नॉर्मल मतलब जैसे गांव की भाषा में बोलते हैं ना, ऊंचा है या नीचा है? नहीं, ऊंचा जैसा कुछ नहीं, जिसमें नॉर्मल। ओके ठीक है, तो अभी पता चल जाएगा नॉर्मल है या फिर ज़्यादा है या कम है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो मशीन है इनके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो फर्स्ट मेरे पास में मशीन है, ये है A&D मेडिकल की, और ये डिजिटल वाली है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है जो मैं वीडियो में आगे आपको बताऊँगा। सेकेंड हमारे पास में है जो इंडिया का टॉप मोस्ट ब्रांड है, ओमरोन, इसकी ये डिजिटल बीपी अपरेटस मशीन है। और थर्ड है दोस्तों, इसका वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा, ये परफेक्ट की जादुई मशीन है जो बोल के आपका बीपी बताती है। अगर इसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे मैंने ये वीडियो लगा दिया है, वहाँ पे जाके इस मशीन का स्पेशल वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए। तो ठीक है राजू भाई, अब स्टार्ट करते हैं और इन तीनों मशीनों का वन बाई वन करके आपका बीपी चेक करते हैं। देखते हैं एक कॉमेडियन कितना स्ट्रेस में रहता है और कैसे, या फिर वो हंसी खुशी कपिल शर्मा की तरह आराम से अपना काम कर लेते हैं। अब देखो दोस्तों, ये राजू भाई खुद ही लगा रहे हैं वैसे तो, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें ये जो कफ है, इस कफ को अगर आप बांधोगे तो इसका एक स्पेशल पार्ट होता है कि ये जो इन्फ्लेशन वाली ट्यूब होती है, इसको आपको हमेशा, आप देख पा रहे हो जो कोहनी, इनकी जो कोहनी की हड्डी है, इनसे अप्रोक्सीमेट 2 फिंगर ऊपर की तरफ आपको लगाना है। ओके, यहाँ पे हमें अगर आप महसूस भी करोगे तो आपको एक जो ब्रेकियल आर्टरी होती है वो फील होगी आपको, तो ब्रेकियल आर्टरी के पास में इसको इस प्रकार से टेस्ट करना है और फिर इसको अच्छे से फॉर्मली बांध लेना है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं, आपको टाइट तो नहीं लग रही? बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइट बांध लेते हैं या बहुत ज़्यादा लूज़ कर लेते हैं, इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो आपको इसके लिए भी ये 2 फिंगर फॉर्मूला अपनाना है। आपको 2 फिंगर ऐसे करके आपको चेक करके देख लेना, अगर इजी से ये एंटर हो रहा है, इसका मतलब ये आपका बीपी का ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट आपको कुछ नहीं करना, चूँकि ये ऑटोमेटिक है तो अपने आप से ही रीडिंग ले लेगी। ओके फ्रेंड्स, तो मैं इस बटन को स्टार्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे एक और ख़ास बात ये है कि जब भी आप बीपी लो, चाहे लेटी हुई पोजीशन पे लो या ऐसे बैठ के अपना बीपी चेक कर रहे हो, चाहे आप घर पे कर रहे हो या क्लिनिक पे कर रहे हो, तो अपने मशीन को कार्डियक लेवल पे रखना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो इस बटन को मैं कर देता हूँ स्टार्ट, और ये अपने आप से विद इन 2 मिनट्स में ये बीपी चेक करके अभी बता देगा। ओके फ्रेंड्स, राजू भाई तो टेंशन में चले गए हैं। 100/64, 100 इनका सिस्टोलिक बीपी आया है, यानी कि SBP है, और डायस्टोलिक इनका 64 आया है, और 78 पल्स है। पल्स यानी कि धड़कन इनकी थोड़ी सी बढ़ रही है। क्यों सर बताइए, ऐसा क्यों, धड़कन इतनी बढ़ी हुई क्यों है? ओके क्विकली अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, और नेक्स्ट ये ओमरोन वाली मशीन है, इससे एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे खास बात ये है दोस्तों, आपको ध्यान रखना होता है, बार बार अगर आप बीपी लेते हो तो उन हर एक बीपी रीडिंग के बीच में आपको 2 मिनट का गैप रखना होता है, अदरवाइज़ यहाँ पे आर्टरी पे प्रेशर पड़ेगा और हाथ में भी पेन होने लगेगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस कफ में तो यहाँ पे ARD लिखा हुआ ही है ऑलरेडी, तो आर्टरी के ऊपर में इसको हमें रखना है इस प्रकार से, और सेम फॉर्मली बंद कर देना है और बटन को फिर से स्टार्ट करना है।
A few moments later. ओके राजू सर, ऑलमोस्ट रीडिंग सेम सी आई है, वहाँ पे सिस्टोलिक 100 था, यहाँ पे सिस्टोलिक बीपी इनका 107 आया है, डायस्टोलिक 75 आया है फ्रेंड्स, और हार्ट रेट थोड़ी और बढ़ती हुई है, और जहाँ पे 78 थी वहाँ पे 86 शो कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो थर्ड का देख लेते हैं, ये ऐसे कफ को बांध लेना है और उसके बाद में स्टार्ट बटन को ऑन कर देना है। टाइम पास जो रिलैक्स वाला म्यूजिक है उससे और ज्यादा रिलैक्स तो नहीं होगा, कहीं बीपी और कम हो जाएगा। बात तो सही है, देखते हैं कम होता है या फिर बढ़ जाता है। आपका पॉइंट भी 100 है तो क्या पता रिलैक्स और 90 तक पहुंच जाए। देखते हैं राजू भाई, अभी पता चल जाएगा आपका बीपी कितना आता है। वैसे ये म्यूजिक रिलैक्सेशन के लिए बहुत अच्छा है, और ये बोल के बता रही है इससे अच्छी और क्या बात है। Your systolic blood pressure is 128 millimeter of mercury pillar. ये तो रिलैक्स नहीं और बढ़ा दिया मेरा एनिमल, नॉर्मल कर दिया मेरा। And 6 millimeter of mercury pillar. And your heart rate is 79 beats per minute. ओके फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख पा रहे हो ब्लड प्रेशर जो सिस्टोलिक है वो 128 है और डायस्टोलिक 106 आया है, और इसके अलावा 79 इनकी पल्स आई है। तो पल्स तो ऑलमोस्ट सेम आई है, लेकिन बीपी में वेरिएशन बहुत ज़्यादा आया है। अब यहाँ पे क्या कहीं म्यूजिक का कमाल तो नहीं है क्या? पता सर, फीमेल वॉइस से आपका बीपी बूस्ट हो गया। हाँ ये हो सकता है। तो आप देख पा रहे हो दोस्तों, मोस्ट ऑथेंटिकेट वे में अगर आप देखें तो इन तीनों से ही हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जो बीपी रिकॉर्डिंग एक्यूरेट है इसकी अगर हम ऑथेंटिसिटी चेक करेंगे, इसके लिए हमारे पास में एक लास्ट उपाय बच जाता है, वो है हमारा मर्करी वाला जो ट्रेडिशनल बीपी अपरेटस है, उससे हम रीडिंग लेके इनका चेक करते हैं कि ये वाकई में ये तीनों मशीन सही है या नहीं है। तो सर एक बार और आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी फ्रेंड्स, बीपी अपरेटस ये जो मर्करी वाला है इसके ऊपर में एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो आपको मिलेगा, जिसमें सारे डूज एंड डोंट्स और इसके बेनिफिट और क्यों ये एक्सटेंड हो गया इसके बारे में भी कंप्लीट जानकारी मिलेगी, वो ऊपर आई बटन पे आप चेक कर लेना। तो इसको पहले असेंबल कर लेता हूँ फ्रेंड्स। जब भी आप अगर डिजिटल बीपी प्रेशर से अपना बीपी ले रहे हो तब तो कोई इशू नहीं है, अगर ये मर्करी वाले से चेक करना है तो आपको ज़रूर एक मेडिकल प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है। अब बीपी प्रेशर से डायरेक्टली हम चेक नहीं कर पाएंगे, इसके लिए ज़रूरत होगी दोस्तों ये जो डॉक्टर्स का स्पेशल हथियार है, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप बिल्कुल सर। अब स्टेथोस्कोप को भी कैसे यूज करना है इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है सर। तो इसको आप इस प्रकार से लगा लीजिए और आपको इस डायफ्राम पे टच करके चेक करके देख लेना है कि ये वर्क कर रहा है या नहीं, उसके बाद में सेम ब्रेकियल आर्टरी पे आप इसको लगा लेंगे। तो दोस्तों बीपी कफ को हमने बांध लिया है, और ये जो नोब है इस नोब को इस प्रकार से क्लॉकवाइज घुमा के इसको बंद कर लेना है, इसके बाद में इन्फ्लेशन बैक से हमें पुश करते हुए मर्करी के ऊपर में प्रेशर डालना है। आप देख पा रहे हो दोस्तों जिस प्रकार से मैं स्लोली स्लोली मर्करी को पुश कर रहा हूँ ये ऊपर की तरफ जा रही है। आइडली 170 से 200 तक मर्करी को ले जाना चाहिए अगर नॉर्मल किसी व्यक्ति का फर्स्ट टाइम बीपी चेक कर रहे हैं तो। ओके फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 190 तक ले गया हूँ। अब स्लोली स्लोली इस बटन को रिलीज करना है जिससे कि आपको बीपी की रिकॉर्डिंग मिलेगी। जब आप स्लोली स्लोली बल्ब को रिलीज करोगे तो इस प्रकार की एक साउंड सुनाई देगी, जहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम साउंड सुनाई देगी वो आपका होगा सिस्टोलिक बीपी, और जहाँ पे साउंड ये बंद हो जाएगी वो होगा डायस्टोलिक बीपी। और फाइनली इस मर्करी वाले से रीडिंग लेने के बाद में मर्करी टैंक को हमेशा इस प्रकार से ऑफ कर देना होता है। ओके राजू सर, बीपी तो आपका आया है 100/70, इसका मतलब जो हमने फर्स्ट बीपी मशीन हमने यूज करी है ए एन डी वाली,
ये इसकी लगभग एक्यूरेट रीडिंग इसने हमें दी है। और इसके अलावा ओमरोन वाली ने हमें लगभग 7 का डिफरेंस था, 107। और ओमरोन वाली ने ऑलमोस्ट इसी के आसपास में रीडिंग दी है, लेकिन ये बोलने वाली तो भाई साहब जादू ही कर दिया इन्होंने तो बोलने का काम है इसका सर। ओके, आवाज से ही इतना आपके डोपामिन रिलीज होगा, आवाज से ही फीमेल वॉइस की वजह से क्या आपका थोड़ा बढ़ गया होगा। ओके सर, ओके ओके, गुड पंच सर। ओके फ्रेंड्स, तो आपने आज देखा है तीनों का कंपैरिजन। अब इसका ओवरव्यू की बात करें तो इससे एएनडी मेडिकल वाले की जो एक ड्रॉबैक है वो है दोस्तों कि इसमें ओनली सेल से ही हम ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें डबल ए सेल्स लगेंगे, वो भी चार चार सेल, तो ये एक कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। अगर आप एक महीने या दो महीने में बार बार सेल चेंज करोगे तो ओबियसली पैसे तो ज़्यादा लगेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको ओमरोन वाली में एक बेनिफिट है। इसमें सेल के साथ में आप ऐसा एक जो पुरानी नोकिया वाली पिन का चार्जर होता था उसी के जैसे एक चार्जर जो मार्केट में 50 से 60 रुपए में मिल जाता है वो आप लेके आराम से यूज कर सकते हैं, वो भी लाइफ टाइम फ्री। तो सर आप बताइए कौन सा फ़ायदे का सौदा रहेगा, और आपको क्या लगता है इन मशीन्स के ऊपर में कि आप घर पे क्या अपने आप से इंडिपेंडेंटली अच्छे से आप अपना बीपी चेक कर सकते हो? बिल्कुल जरूर कर सकते हैं, लेकिन इससे तो करना लगभग नामुमकिन सा है। ऑब्वियसली सर वो एक हायर एंड डिवाइस हो गया जिसमें आपको पहले तो मशीन की जरूरत है, दूसरा स्टेथोस्कोप की जरूरत होगी, लेकिन एक पर्सन की और आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल सर, एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग तो ये सबसे बेस्ट था, लेकिन इसमें ड्रॉबैक के कारण इसमें इतना कोई डिफरेंस है नहीं दोनों में। ओके, तो ये तो हम प्रेफर करेंगे ये ओमरोन वाली दोस्तों। वैसे मैं इन दोनों ही मशीन, क्योंकि ये बोलने वाली है, इसका ये कि बेनिफिट हो सकता है कि जो हमारे गांव में बुजुर्ग लोग होते हैं जो देखने सुनने में दिक्कत है तो फिर वो प्रेफर कर सकते हैं। इसमें लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी दोनों है या फिर ओनली इंग्लिश है? इसमें ओनली आपको इंग्लिश ही, मतलब गाँव वाले लोगों को कहाँ इंग्लिश आएगी। ओके, तो आपको इन दोनों बीपी प्रेटेस्ट जो कि हमने टेस्ट किया है इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप चाहे इनको परचेज करना तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। ओके राजू सर, थैंक यू, आप हमारे मेडिकल अड्डा चैनल पे आए और आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए थैंक यू। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, आपके लिए ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग मेडिकल डिवाइस को अनबॉक्स करेंगे और उसका कंप्लीट रिव्यू हम देंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी।